गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 29 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 29 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर सुबह 6 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल कंटेंट्स के नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम रखा। भारतीय रेलवे जल्द ही अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू करने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में श्री सैलम मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन किया। ऑस्कर 2023 के लिए 4 भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वो 4 से भारतीय फिल्म कौन कौन से हैं वो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आईआईटी कानपुर द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट को विकसित किया गया। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मार्ग पर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की 7 वर्षीय गेटो सोरा ने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। इटली फूड दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में टॉप पर रहा और भारत 2035 तक वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2035 तक ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ध्यान रखना, भारत जो है तीरंदाजी एशिया कप 2022 के पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा है, टॉप पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में श्री सैलम मंदिर विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। श्री सैलम मंदिर जो है, इस परियोजना का शुभारंभ 43.08 रुपए की लागत से पूरी की गई है। श्री सैलम जो मंदिर है, ये श्री मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, ये भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को समर्पित है और ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अटल मेमोरियल पार्क बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनका स्मारक मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिरोल गांव में जल्द ही बनाया जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार बने थे 16 मई 1996 को बने, लेकिन 1 जून 1996 को ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहां बहुत कम दिनों के लिए थे वो। दूसरी बार वो फिर से 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री रहे थे। तीसरी और आखिरी बार 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे। वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। 27 मार्च 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत ने 1998 में, ये ध्यान रखना, पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, और वर्ष 1992 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 24 दिन तक वो जेल में रहे थे और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इतनी चीजें अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला मुक्केबाजी नेशनल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक महिला मुक्केबाजी नेशनल चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है अभी हाल ही में? तो निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों ने अभी हाल ही में महिला मुक्केबाजी नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। देखा जाए तो ये महिला मुक्केबाजी नेशनल चैंपियनशिप ये जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई थी, जिसमें निखत जरीन ने 50 केजी में फाइनल में अनामिका को हराया और लवलीना बोरगोहेन ने 75 केजी फाइनल में अरुंधति चौधरी को हराया, और इन दोनों को हराते हुए इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, अनिल कुमार लाहोटी ये अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ दोनों बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो वो है मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति को अभी हाल ही में 11 साल की सजा सुनाई गई। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यमीन, इनको भ्रष्टाचार और धन शोधन जैसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 11 साल की सजा सुनाई गई है और इन पर $5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया है। ध्यान रखना, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति है अब्दुल्ला यमीन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एटलस के मुताबिक विश्व की बेस्ट फूड लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना, यह 5वें स्थान पर है विश्व एटलस के मुताबिक। फर्स्ट पोजीशन पे है इटली का भोजन, सेकंड पे है ग्रीस का भोजन, थर्ड पे है स्पेन, फोर्थ पे है चीन का भोजन और फिफ्थ पे है भारत का भोजन। फिफ्थ पोजीशन पे अपना भारत है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पोजीशन पे है इटली का व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीईबीआर सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2035 तक इस रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक भारत जो है 2035 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में जो भारत पांचवें स्थान पर, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस न्यूज मीडिया कंपनी में गौतम अडानी का 65% हिस्सेदारी होगी? तो एनडीटीवी की अभी शेयर्स को गौतम अडानी ने खरीद लिया है, तो अब जो है एनडीटीवी में उनकी 65% जो है हिस्सेदारी होगी। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं और किस देश द्वारा सिगरेट खरीदने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है? इन दोनों क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, सो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। सो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ा सा भी कुछ अगर आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर सुबह आपको इसी तरह के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।